हाउ मच वाटर पंप टू कि हाउ मच वाटर पंप ए 2 किलोवाट पावर, 2 किलोवाट पावर का पंप लगा हुआ है, वो कितना वाटर मतलब पंप करेगा 1 मिनट टू ए हाइट 10 मीटर। अब देखो हाइट 10 मीटर, ये जो पहाड़ है ठीक है, यहाँ से मुझे वाटर इसको पहुँचाना है 10 मीटर हाइट पे, ठीक है 10 मीटर हाइट पर यहाँ से हमें वाटर पहुँचाना है इस ट्यूब के थ्रू। तो जो पंप है वो 1 मिनट में कितना लीटर वाटर पहुंचाएगा, ठीक है चलो। तो पावर जो होता है, पावर किसी भी पंप का पावर होता है वर्क अपन टाइम। अगर कोई आदमी यहाँ से ग्राउंड से 10 मीटर हाइट तक लेके जाता है तो वर्क डन उसको कितना करना पड़ेगा बोलो, MGH डिवाइडेड बाई टाइम टी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मास ऑफ वाटर है पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी डिवाइडेड बाई GH, ठीक है। तो कितना मास ऊपर गया ठीक है 1 मिनट में, तो पावर कितना भैया, पावर है 2 किलोवाट, 2 किलोवाट 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और टाइम जो है 1 मिनट मतलब ये 60 सेकेंड, और डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10 और हाइट भी 10, ठीक है तो हाइट भी 10 और ये, तो कुल मिला के 2 जीरो ने 2 जीरो को यहाँ से ख़त्म कर दिया, और 6 दूना 12 ठीक है, 1200 KG मास जो है 1 सेकेंड में, 1 मिनट में ऊपर गया होगा। समझना, यहाँ से एक मिनट में 1200 KG ऊपर पानी गया होगा, तो हमें लीटर में चाहिए। हम सबको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10^-3 m³ होता है, ठीक है ये पढ़े हो ना, 10^-3 m³। इसका मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg m³, ठीक है। तो 1 kg इसका मतलब ये हुआ, ये मीटर क्यूब ये पड़े हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर 1 kg के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि 1200 लीटर पानी ऊपर गया होगा 1 मिनट में, मतलब बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल फ्रॉम मी दैट वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन यहाँ हम फिनिश करते हैं। आई होप कि मतलब जितने भी मैं क्वेश्चन 70-72 क्वेश्चन कराया हूँगा, अगर आप इतना कर लेते हो तो आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन करते कैसे हैं, और क्या कभी इससे बाहर क्वेश्चन आएगा क्या, नहीं यार 90% चांस होता नए क्वेश्चन नहीं आते यार, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, इसके बाद आप टेस्ट दो, ठीक है ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप टेस्ट दो, अपने आप को टेस्ट करो, नीट लेवल का टेस्ट दो। ऐसा नहीं कि जय एडवांस का लेके बैठ जाओ और हो ही नहीं रहा तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, ठीक है। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।